काल्पनिक संभोग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काल्पनिक संभोग, इसका मतलब ये होता है कि संभोग तो एक व्यक्ति के साथ में कर रहे हैं, जो व्यक्ति आपकी पार्टनर हो, पत्नी हो, जो भी है, और इमेजिन और किसी को कर रहे हैं कल्पना में। अब ये क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसका उपचार क्या है, उपाय क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। क्या है कि ऐसा कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि 99% लोग कभी ना कभी ऐसा काल्पनिक संभोग करते हैं, स्त्री करती है या पुरुष करता है, और कुछ लोग रेगुलर करते हैं। अब ये क्यों होता है हम देखेंगे। इसके पहले देखेंगे कि भाई ये है क्या, मतलब होता क्या है कि पास्ट में कहीं तभी देखा हुआ है, पास्ट में संभोग किया है किसके साथ में, अब शादी तो उसके साथ में हुई नहीं, शादी हुई है और किसी के साथ में। अब जब किसी के साथ में शादी हो चुकी है तो उसके साथ में एंजॉयमेंट नहीं आ रहा है, दिमाग में वही है पहले वाली, तो फिर पहले वाली के साथ में संभोग चालू है, काल्पनिक कर रहे पत्नी के साथ, एक वो हो सकता है। या फिर पत्नी के साथ में एंजॉय करते करते कभी बाहर चांस आ गया, कभी किया और वो ज़्यादा एंजॉयबल लगा, वो लेडी के साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया तो फिर वही एंजॉयमेंट यहाँ आता है, तो एक कारण हो सकता है। क्या होता है कि ये करते करते, मतलब ये होता कैसे है कि भाई सेक्स करते करते कोई और चेहरा देखते हैं लोग, कल्पना में और चेहरा देखते हैं, और वो दोनों भी करते हैं, पत्नी भी करती है और पति भी करता है, ऐसा नहीं कि पति करता है सिर्फ। तो इसके कारण क्या है, एक तो क्या है कि दूसरे पार्टनर की अदाएँ बहुत कामुक लगती है, वो ज़्यादा एक्साइटेड लगता है, एक्साइटमेंट ज़्यादा आती है उसको कल्पना करके, फिजिकल अपीयरेंस ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, दिखने में अच्छा है, बहुत सेक्सी है, और या पहले सेक्स किया हुआ है तो उसमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया था, बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट दिया था, बहुत ज़्यादा फिजिकली इन्वॉल्व हो गया था, मतलब कुछ भी कारण हो सकता है वो अट्रैक्टिवनेस का। फिर तीसरा है कि पास में जो किया है वो बहुत मज़ा आ गया करके किया है पास में, या फिर इधर बोर्डम बहुत लग रहा है तो ताकि बीच बीच में थोड़ा सा इधर उधर भटक के आ जाओ, तो वो भी होता है कि कभी बोर्डम हो गया है। कुछ लोग अपनी पत्नी से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वहाँ मज़ा ही आता नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, इसलिए फिर और किसी को वो कल्पना में लाते हैं। कोई लोग वैरायटी चाहिए करके करते हैं कि भाई बोर हो गया तो वैरायटी चाहिए, एक्चुअली जाके बाहर करेंगे या फिर कल्पना में करेंगे। कुछ लोग ऐसा पूछा गया है कि भाई आपने बाहर क्यों नहीं किया, या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपकी क्यों नहीं हुई, या पत्नी के अलावा आपने सेक्स कहीं किया है क्या, तो बहुत सारे परसेंटेज, मतलब हाई परसेंटेज लोगों ने बोला कि हाँ, और जो लोगों ने बोला ना तो उनको पूछा कि आपने क्यों नहीं किया, तो उनको उनमें से बहुत हाई परसेंटेज ऐसे थे कि जिन्होंने बोला कि हमको चांस नहीं मिला। इसका मतलब ऐसा था कि चांस मिलता था वो करते थे बाहर। तो बोर्डम से होता है, पत्नी से सेटिस्फाई नहीं है, वैरायटी चाहिए करके होता है, कभी कभी क्या होता है कि यूज्ड हो जाते फिजिकली, जब फिजिकल बॉडी को बहुत ही ज़्यादा यूज्ड हो जाता है तो बिल्कुल ही एक्साइटमेंट आता नहीं, इरेक्शन होता नहीं है, तो फिर बॉडी के पार्ट्स को जब अकस्टम हो जाते हैं, यूज्ड हो जाते हैं, बॉडी के पार्ट्स की आदत बन जाती है, तो फिर वो प्रॉब्लम होता है, फिर उसकी वजह से फीलिंग ही नहीं आता है, कुछ फीलिंग नहीं। कभी कुछ ऐसा होता है कि झगड़ा झंझट बहुत कुछ हुआ है, आपस में बिल्कुल बनती नहीं है, मगर क्या करना है, करना तो यहीं पड़ता है, करके करो, फिजिकली सेटिस्फाई हो जाओ एक बार का, मगर कल्पना में और किसी को लाओ। फिर कुछ लोग अलग सा अनुभव लेने के लिए करते हैं, कुछ लोग नयापन का अनुभव लेने के लिए करते हैं। पत्नी के साथ में कुछ लोगों का परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ता है, और पत्नी बढ़ती है कि आज तुम बहुत ज़्यादा अच्छा है किया, और पत्नी को बहुत ज़्यादा सुख उसमें आ गया, ऐसा पत्नी बोलती है जब यह कल्पना में और किसी को देखता है। तो मतलब यहाँ पत्नी के साथ में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए भी वो उसके साथ में करता है। कभी कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि पत्नी के साथ में इतना ज़्यादा इरेक्शन आता नहीं है, मगर वो कहीं और कल्पना करते तो इरेक्शन ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा कठोरता आती है, इसलिए फिर वो लाने के लिए फिर इधर करना पड़ता है। यह ऐसा है कि आपको खाने के लिए बोला है डॉक्टर ने कि दाल भात खाओ, और बाजू में आपने बहुत चटपटी डिश लाके रखी हुई है, बहुत तेज तर्री वाली डिश सामने है, मगर आपको खाने नहीं आती है, तो उसके तरफ देखना 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 और खाना दाल भात, वैसा हो जाता है कभी कभी। इसके नुकसान क्या है, इसके नुकसान ये है कि इसका राज खुलना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि भावनाओं में आके कुछ बोल देता है, कभी गुस्सा आ गया, गुस्से में कुछ तो भी बोल दिया पति ने पत्नी को कि वैसा तो कुछ करती नहीं है, फिर मैं तेरे साथ में करता हूँ तो मुझे ऐसा का, मतलब ऐसा कुछ भी भावना में बोल दिया, और ये समझो भावना में कोई किसी को बोलता है तो सामने वाला पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कभी किसको भी अच्छा लगेगा नहीं कि भाई करते हो मेरे साथ में कल्पना और किसी की करते हो, तो फिर इसमें करना क्या, समझो भी बोल दिया है, एक तो बोलना ही नहीं चाहिए, बोल दिया है तो फिर अपना मिसिंग ढूंढना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी हुआ हो, और फिर
कुछ रोमांस करना है या फिर ज़्यादा रोमांटिक भाषा में बातचीत करना, रोमांस पहले करना, अलग अलग कपड़े पहनना, अलग अलग अदाए में आना, मतलब ऐसा करना होगा, और एक दूसरे को पूछना कि भाई मैं रोमांटिक दिखने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्या करूँ कि ताकि तुझको मेरे में मज़ा आएगा या मुझे तेरे में मज़ा आएगा। तो ऐसा ही करते पूछते हैं और एक दूसरे को एंजॉय करने लायक बनाते हैं तो डेफिनेटली ये करने की नौबत नहीं आएगी। नहीं तो फिर अच्छा बुरा का सवाल नहीं है, कल्पना में करते हो और किसी के साथ में समूह, या अच्छा बुरा का सवाल नहीं है, ये इंटीग्रिटी आउट है। और इंटीग्रिटी आउट है मतलब जो करना चाहिए वो करते नहीं है, जैसा करना चाहिए वैसा करते नहीं है। मालूम करना नहीं करना आपकी मर्जी, काल्पनिक संभव करना नहीं करना आपकी मर्जी, आपको जो मर्जी है वो करो, राइट रॉन्ग इसमें कुछ भी नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।